गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? सो गाइज मेरा इतना ज़्यादा हेडेक स्टार्ट है इतने दिनों से। जैसे कि मैंने बताया मुझे साइनस है, तो मुझे उसके लिए डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा अर्जेंटली बोला था आई चेकअप करवाने, लेकिन सब कुछ कामों की वजह से मुझे नहीं हो रहा था पॉसिबल जाने के लिए। बट फाइनली अब मुझे टाइम निकालना ही पड़ा बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना आई चेकअप करवाने, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और आपको मैं बताऊँगी कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मुझे एडिट भी करने नहीं जम रहा है। लिटरली मेरी आँख इतनी ज़्यादा दुख रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। पता नहीं अचानक से इतनी प्रॉब्लम्स कैसे आ गई, बट हम सबसे फाइट बैक करेंगे, डरते नहीं हम प्रॉब्लम से। तो चलो अभी चलते हैं आई चेकअप करवाने और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ। सो गाइज फाइनली मैं क्लिनिक पहुंच गई थी, एंड वहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर नहीं आए थे। तो मैं डॉक्टर का वेट कर रही थी तब तक कि मैंने उनको बता दिया था कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी एंड मुझे क्या चेकअप मतलब क्या क्या आँखों में चेकअप करवाना है। फिर उसके बाद में मेरा चेकअप स्टार्ट हुआ, और गाइज मेरे साथ एक हादसा हुआ तभी जब मेरा चेकअप हो रहा था, तो मुझे अचानक से सब चीज़ ब्लर दिखने लग गई। तो मैं एकदम टेंशन में आ गई और मैंने उनको बोला कि अरे मुझे सब ब्लर दिख रहा है। तो उन्होंने बोला अरे वो रुक जाइए, मुझे सेट तो करने दीजिए। फिर थोड़ी मुझे ठंडक मिली, फिर मेरा विजन टेस्ट हुआ जहाँ पे गाइज मैं पास हो गई। मतलब मुझे सब प्रॉपरली क्लियरली दिख रहा था, मतलब जैसे अल्फ़ाबेट्स छोटे छोटे होते जा रहे थे मुझे बराबर सब दिख रहा था, ऐसा नहीं मतलब विजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद में मेरे आई बॉल्स का चेकअप हुआ, उन्होंने चेक किया कि मेरे आई बॉल्स ड्राई है या नहीं। तो उसके वजह से उस टाइम पे उन्होंने मेरे आँख पे लाइट मारी, और गाइस ट्रस्ट में मुझे ये टाइम पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे को आँख खोलने ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उससे पता चल गया था कि मेरा फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह ही है मेरा ये सारा पेन। फिर मेरा आई बॉल्स का दोनों फटाफट से चेकअप हुआ। तो गाइज़ मेरा चेकअप हो गया है और मेरा इतना ज़्यादा सर घूम रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती हूँ थोड़े टाइम पे, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ चश्मा बनाने के लिए। मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा जब भी मैं काम करूँ तभी, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा चश्मा बनाने क्योंकि यहाँ पे जो चश्मे वाले हैं वो नहीं है, मतलब जो चश्मे वाला डिपार्टमेंट संभालते वो, उनको आने टाइम लगेगा। तो मैंने बोला कि मैं कहीं और जाके चश्मा बना लेती हूँ, तो चलो चलते हैं कहीं और पे और चश्मा बनाते हैं, एंड आपको बताती हूँ कि कौन सा अब मैं चश्मा पहनूंगी, आप बताना कौन सा लूँ, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं चश्मा लेने के लिए पहुँच गई और मैं ट्राई कर रही थी। देखो ये मुझे ट्रांसपेरेंट वाला ठीक लगा, बट मुझे ये वाला उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने बोला कि कुछ और ऑप्शंस भी ट्राई करती हूँ। फिर मैं गई दूसरे साइड पे दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने के लिए, एंड वहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा फ्रेम मेरे मुंह पे सूट होगा। अगर आपको गाइज लग रहा है ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, ट्रांसपेरेंट वाला या फिर ये वाला। देखो ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, बट अगेन मुझे ये था कि उसका वो जो स्टिक था वो ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि मुझे 5-6 घंटा काम रहता है तो तभी मैं पहनती हूँ। सो ये वाला भी मुझे प्यारा ही लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं और जाके देखती हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। सो गाइस आई चेकअप करवाने के बाद मैं घर आ गई थी, थोड़ा रेस्ट किया मैंने। फिर अभी मैं अरसू को मिलने जा रही हूँ, अरसू आ रहा है मुझे नीचे लेने के लिए, एंड अभी थोड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जो मेडिसिन है वो भी मैंने खा ली है। तो अभी मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, फिर हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे आज। और गाइस मैं सोच रही हूँ कि आज क्यों ना अरसू को पूरा टाइम छेड़ूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब लास्ट टाइम मैंने फ्लर्टिंग प्रैंक किया था तब मैंने सबके साथ किया था, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज सिर्फ अकेले अरसू पे किया जाए, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। मैं बीच बीच में उससे फ्लर्ट करूँगी, तो देखते हैं, बहुत मजा आने वाली है। सो चलो चलते हैं। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं, आप सोचना मत, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस मैं उसको छेड़ने के लिए करने वाली हूँ, तो बहुत मजा आने वाली है। चलो चलते हैं आज, देखते हैं क्या होता है। और गाइस आप लोग एक चीज़ सोच रहे होगी कि हमेशा मैं बाल खुले रखती थी, अभी मैं बाल क्यों बांध रही हूँ थोड़े दिन से। तो गाइज कुछ रीजंस है उसके पीछे, इसलिए मैं बाल ज़्यादा खोल रही नहीं हूँ क्योंकि बाल खोलना अच्छा नहीं होता है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताया था, लेकिन मतलब इस बार मुझे थोड़ा इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ा है। मैं थोड़ा टाइम बाल बांधे ही रहूँगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। सो चलो चलते हैं,
लिफ्ट ही नहीं आ रही है यार, कब से रुकी हुई गाइस। मुझे इतनी चिढ़ आती है ना लिफ्ट का, एक ही चीज नहीं पसंद है, लिफ्ट के लिए रुकना पड़ता है, बहुत इरिटेट होता है मुझे यार। तो गाइस अरसु इज हियर और हम आए हैं चाह पीने, चाह पीने। क्या हो गया अरसु? टेंशन। किस बात का? मेरे ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। गाइस मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैंने ना एक चीज नोटिस करी हूँ अपनी लाइफ में कि कभी भी अपने, मैं बाद में बताऊंगी आपको, वो छोड़ो अरसु आज अच्छे लग रहे हो। नहीं मेरे को पता है, मैं एक सीख दे रही थी, वो मैं एंड ऑफ व्लॉग दूंगी। क्या बोले? आज तुम अच्छे दिख रहे हो। तुम तो बोले मेरा शर्ट नहीं अच्छा लगता। कब बोली मैंने? अभी बोले अच्छे लग रहे हैं। रिकॉर्डेड। ये शर्ट बहुत सूट करता है तुमको। यू आर लुकिंग क्यूट। नहीं प्यारे लग रहे हो सही में। अरे अरे अजीब है, सही में अच्छे लग रहे हो, क्यूटी पाए लग रहे हो, क्यूटी पाए। तो गाइस अभी हम लोग पियेंगे चाय, आज अरसु की खूबसूरती में से देखी नहीं जा रही है, तो चाय पीने के बाद मिलते हैं। अरसु बोलिए। आर यू नेटफ्लिक्स? No, but I am chilled. Nice. Are you Netflix? No. Why कौन पूछेगा? No, why? Because I want to watch you for hour. Oh. सही बात है। फिर आगे? हजम नहीं हुआ ना तुमको भी, सच्ची बोलो। नहीं यार ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं ये पहली बार नहीं सुन रहा। उफ शर्म। चल जाओ यहाँ से। तो गाइज हम लोग अभी आ गए हैं निदा के घर पे, एंड यहाँ पर है सुफियान भाई। एवरीथिंग इज नाइस एंड हियर इज अरसु अगेन विद मी। तो अरसु मैं तुमको एक बात बोलना चाहती हूँ कि सुफियान भाई के सामने बोलूंगी, आने दो। क्यों, मैंने क्या किया ऐसा? तुमने कुछ किए नहीं हो, लेकिन आ गए। सो अरसु मैं तुमको ये बोलना चाहती हूँ कि आर यू अ इलेक्ट्रिशियन? Yes, because whenever I touch you, I feel like a shock. No, are you an electrician? Yes, ये सब घर के काम मैंने किया हूँ। अरे पप्पू electrician? Is no, that? No, I'm not an electrician. Why? Because you have put light in my life. अभी फिर से लगा दो भाई, आग दो, आग दो बोल रहा हूँ, आग लगा दो। Put life in her life. Light in. Light in her life. Put light. लेकिन अरसु कुछ भी बोला, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो आज। एकदम क्यूट। तुम लोग की जोड़ी मेरे को मोटू पतलू की जोड़ी नंबर लगती है। समोसा का है? नहीं बहुत दिमाग की बात नहीं चलती। तुम अपने आप को समझते हो मोटू पतलू? कौन कमबख्त बोलता है कि तुम्हारी बॉडी ऐसी है? मैं बोलती हूँ कि तुम कोई बॉडी बिल्डर से कम नहीं हो। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? बस मैं चाहती हूँ तुम मुझसे प्यार भरी बातें करो थोड़ी। थोड़ी प्यार भरी बातें करो भाई। तुम आज बहुत बहुत बड़े क्या लग रहे हो? मस्ती कर लग रहा है। देखे देखे बोला ना, अच्छी लग रही हूँ, समझे? लग रहा है बास्केटबॉल साफ, मतलब बास्केटबॉल का पूरा यार्ड साफ करने आ गए। हाँ सीखो कुछ प्रो से, अभी शादी हो गई। तारीफ करते रहोगे लड़कियाँ उतनी खुशी खुशी रहेगी। हाँ ये चाहता ही नहीं है ना मैं खुश रहूँ, ये चाहता ही नहीं है। कैसा आदमी है? मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ इसकी, कितना अच्छा दिख रही है। वाह आरती अक्खी उंगली है, नॉनसेंस। शट अप यू गाइस। सो गाइस अभी अरसु आ गया है मुझे घर पे छोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अरसु, तुम इतने अच्छे क्यों हो? जस्ट टेल मी दैट। क्या चाहिए तुमको ये बताओ पहले। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ कि तुम इतने अच्छे हो, तुम मुझे रोज छोड़ने आते हो, उठाने आते हो। हम आपके अच्छे फ्रेंड है और आप हमारी So what? तो इसीलिए बस, वरना तुमको तो उठा के पटक दूँ। Nonsense. So guys चलो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। Bye अरसु, see you. Toodles. मैं आ गई हूँ अभी अपने बिल्डिंग में और अभी मैं जा रही हूँ घर पे, और मैंने अरसु को अभी तक नहीं बताया कि मैं सब उसकी तारीफ कर रही थी जब हम लोग बाइक पे आ रहे थे। तभी वो मुझे बोल रहा था, आरती तू एकदम अजीब अजीब क्यों बिहेव कर रही है, मेरे को तो ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन तभी मेरा व्लॉग चालू नहीं था,
तो बोलते वो बोल रहा था कि कुछ चाहिए तो बता दे मेरे को, लेकिन मेरी इतनी झूठी तारीफ मत कर या ये मत कर, मतलब उसको ऐसा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन गाइज उसको पता नहीं कि मैं ऐसा फ्लर्टिंग प्रैंक कर रही थी उसके साथ। अभी भी उसको मैं बताऊंगी नहीं, मतलब मैंने बताया ही नहीं उसको। तो जब मैं ये वीडियो कल डालूंगी और वो जब ये वीडियो देखेगा अगर, तो पता चलेगा कि ये पर हुआ है फ्लर्टिंग प्रैंक। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।